तो दोस्तों इस हफ्ते इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3 से 4 नई फिल्में रिलीज होने वाली है, जिसमें से एक फिल्म है अपकमिंग द बॉडी, जो कि मिस्टीरियस थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों इस फिल्म के लीड में आपको इमरान हाशमी, ऋषि कपूर, वैदिका और शोभिता धुलीपाला नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जीतू जोसेफ ने। इस फिल्म का ट्रेलर दोस्तों कुछ ही दिनों पहले आया था, जो कि काफी सस्पेंस और थ्रिलर से भरा हुआ था। दोस्तों बता दें आपको कि यह फिल्म 2012 में आई स्पेनिश फिल्म द बॉडी की ऑफिशियल रीमेक है और इस फिल्म को 13 दिसंबर के दिन ऑल ओवर इंडिया में रिलीज किया जाना है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म से बॉलीवुड के किसर बॉय इमरान हाशमी और ऋषि कपूर का कमबैक होने वाला है। इस फिल्म में दोस्तों एक बार फिर से आपको झलक दिखला जा वाला गाना रिक्रिएट होते हुए दिखा है, जो कि काफी बढ़िया तरीके से बना है। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का जो बजट है वो है लगभग 32 करोड़ रुपए का, जिसमें दोस्तों इस फिल्म को बनाने में लगे है लगभग 20 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए दोस्तों स्पेनिश मूवी द बॉडी के कॉपीराइट्स लेने में लगे हैं, वही 6 करोड़ रुपए दोस्तों इस फिल्म के प्रमोशंस में लगे हैं। इस तरह से टोटल बजट होता है 32 करोड़ रुपए। रिकवरी की बात की जाए तो दोस्तों आपको बता दें कि स्पेनिश फिल्म काफी बढ़िया तरीके से बनाई गई थी, इसी वजह से दोस्तों यहां पर इमरान हाशमी की इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो बिके हैं लगभग 9 करोड़ रुपए में। डिजिटल राइट्स बिके हैं दोस्तों लगभग 4 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों अगर बात करें म्यूजिक राइट्स की, तो दोस्तों म्यूजिक राइट्स इस फिल्म के बिके है लगभग 6 करोड़ रुपए में। इस तरह से टोटल रिकवरी इस फिल्म की हो जाती है लगभग 19 करोड़ रुपए की। अब यहां पर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, दोस्तों कई सारी फिल्में इस फिल्म के साथ रिलीज होने वाली, जिसमें एक है रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 और एक है हॉलीवुड की बिगी फिल्म जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। इसी वजह से दोस्तों यहां पर द बॉडी अपने पहले दिन लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कर सकती है। हालांकि दोस्तों अगर इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिव्यूज अच्छे मिलते हैं, तो हो सकता है दोस्तों कि इस फिल्म के कलेक्शन में आपको काफी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल जाए। लेकिन यहां पर बात की जाए इस फिल्म के पहले दिन की, तो दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन लगभग 4 से 5 करोड़ की ही कमाई कर पाएगी। हिट होने के लिए दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इमरान हाशमी और ऋषि कपूर इस फिल्म से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमबैक कर पाएंगे या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर न्यूज के लिए आप हमारी वेबसाइट द रिव्यू बाजार.com पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।